हाँ जी बेटा, एलपीपी के हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 में से ओनली बाउंडेड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है मेरे पास. क्या क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग इट. वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ जो है फैट. मेरे पास तो है 2 टाइप्स के केक हमने बनाने हैं और उसमें मुझे क्या दिया हुआ है. मान लीजिए केक फर्स्ट, केक सेकंड, और फर्स्ट चीज मुझे बात की गई है फ्लोर के, देन फैट. फैट कैन बी इन एनी फॉर्म, बटर, क्रीम, कुछ भी, ठीक है. अब उन्होंने हमें जो दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि 200 ग्राम जो है फ्लोर यूज होता है फर्स्ट काइंड के लिए और 25 ग्राम जो है वो फैट यूज होता है, और अनदर केक के लिए 100 ग्राम फ्लोर यूज होता है एंड 50 ग्राम जो है वो फैट यूज होता है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम, मेरे पास जो है 5 केजी ऑफ फ्लोर, मुझे बोला गया 5 केजी ऑफ फ्लोर, मतलब टोटल दे दिया ना 5 केजी फ्लोर का, एंड 1 केजी ऑफ फैट जो है मुझे दे दिया, अज्यूमिंग देयर इज नो शॉर्टेज फॉर अदर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग द केक, कि हमारे पास और किसी चीज की जो है शॉर्टेज नहीं होगी. अब बेटा मुझे ये रिक्वायरमेंट दे दी, अगर ये मैं मान के चलूं कि लेट मेरे पास जो है फर्स्ट काइंड ऑफ केक, फर्स्ट काइंड ऑफ केक जो है दैट इज एक्स है, और सेकंड काइंड ऑफ केक जो है वो कितने हैं वाई मैंने बनाए. मुझे ये कहा गया कि मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाए, पहला काम मेरा जेड का होता है ना, तो जेड नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे पास जेड मैक्सिमम दैट इज एक्स प्लस वाई, यही होगा कि नहीं, और तो कुछ नहीं ना, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट. अब देखिए मेरे पास ये ग्राम्स में, ये केजी में, तो मैं इसको भी ग्राम में कर दूं, 5000 ग्राम, ये 1000 ग्राम. अब बेटा घर पे ना फ्लोर पड़ा होता है, आटा पड़ा, मम्मा ने गूंदना है. मम्मा क्या करते हैं, अगर मान लो एक पूरी के लिए गूंदना है, नॉर्मल चपाती के लिए आप मम्मा ने डफ तैयार करना है, डो तैयार करना है, तो मम्मा क्या करते हैं, जितना पड़ा है उससे ज्यादा कभी यूज नहीं कर सकते. अगर मेरे पास 5000 ग्राम पड़ा है फ्लोर और ये एक्स केक बनने हैं, ये वाई केक बनने हैं, एक केक बनाने के लिए 200 ग्राम चाहिए, दूसरा केक बनाने के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो मेरी कॉन्स्टेंट्स क्या बनेंगी, 200x मेरे पास जो है यही बनेगी ना, प्लस मेरे पास जो है 100y दैट इज लेस देन इक्वल टू 5000, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, जितनी अवेलेबल है उससे कम या उसके बराबर हम आटा यूज कर सकते हैं, फ्लोर यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, जो है 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आनी ही आनी. ओके बेटा, क्लियर, सबको बात समझ आई, हमने ये कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाए, और तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ फ्लोर का टोटल दिया, फैट का तो दिया मैंने कर दिया, और मैंने क्योंकि नंबर ऑफ केक्स को मुझे मैक्सिमाइज करना था, तो इसीलिए एक्स प्लस वाई बात कर दी. हाँ जी जपन ज्योत, यस बेटा, यस जपन. मैम हमारे पास जेड कैसे आया बेटा, उसने कहा कि नंबर ऑफ केक्स हमने 5 केजी फ्लोर और 1 केजी फैट से हमने नंबर ऑफ केक्स बनाने, कितने केक्स बनाए, मैक्सिमाइज करना उसको ज्यादा से ज्यादा. तो अगर मैंने बहुत सोचा कि मैंने एक्स केक्स बनाने हैं एक तरह के, वाई केक्स बनाने हैं दूसरी तरह के, तो ऑब्वियस है
नंबर कैसे निकालती है? दोनों को ऐड करके। ओके जपन, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके ठीक है जी, तो ये हमारी कॉन्स्टेंट है। अब इसको ड्रॉ कीजिए, सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू द टाइम टू ड्रॉ इट, और मुझे बताइए कि मैक्सिमम क्या निकला। जल्दी बेटा, आज आप पूरा करके मुझे बताओगे तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी। हाँ जी बेटा, तो हम क्या करें, सबसे पहले इस लाइन का देखें। देखो इसमें ना, इसको इजी करने के लिए मुझे लगता है आप लोगों ने 100 से डिवाइड नहीं किया। जब 100 से डिवाइड करते तो 2x प्लस जो है मेरे पास 1y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 50 हो जाता और लाइन इजीली बन जाती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स जीरो पुट करो तो y की वैल्यू 50, y जीरो पुट करो तो x की वैल्यू 25। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं। अब दूसरी वाली अगर मैं देखूं तो 25 से डिवाइड हो रही है, तो इस लाइन को मैं ऐसे कर देती हूँ, एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू, जब 25 से किया तो ये 40 बन गया। ठीक है जी, अब इसकी लाइन ड्रॉ करूं कि क्या मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो एक्स और वाई। ओके, एक्स जीरो लिया तो वाई 20, ओके वाई जीरो लिया तो एक्स 40। क्लियर? तो अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। इतनी देर में तो सबके ड्रॉ हो जाने चाहिए थे और किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया कि मैम हो गया है। नोबडी टेल अस कि मैम ओके। अर्शदीप डन, अर्शदीप शो कीजिए, फिर वीडियो ऑन करके शो कीजिए जल्दी। वेरी गुड काव्या, जिन्होंने कर लिया वीडियो ऑन कीजिए एंड शो मी सो दैट आई कैन चेक। ठीक है, तो मेरे पास हो गए, सॉरी। अब देखिए, क्योंकि यहां पर 10, 20, 30 मेरे पास, ओके काव्य इज शोइंग मी। चलो पहले इसकी पिन करते हैं पिक्चर और देखते हैं कि इसने करेक्ट किया है कि नहीं। लेट अस सी, बिल्कुल करेक्ट है काव्या, 100% करेक्ट। अर्शदीप का भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्शदीप को भी पिन करते हैं। वेट, यस 20 and 10, बिल्कुल अर्शदीप करेक्ट है बेटा, काव्या का भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैंने पिन की है पिक्चर, everybody see this। चलिए समृद्धि का भी देखते हैं। समृद्धि गलत है, समृद्धि this is wrong बेटा, totally wrong। see the other students, आपने कुछ ना कुछ जो है किया हुआ है गलत, उसको दोबारा कीजिए, देखिए। ठीक है, do it again। हाँ जी अर्शदीप बिल्कुल correct है बेटा, lower your hand everybody। मैं भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ क्योंकि समृद्धि की कोई ना कोई मिस्टेक है, तो लेट अस सी कि समृद्धि की क्या मिस्टेक आई है। ओके, फिर समृद्धि की बात सुनते हैं। ठीक है, तो मेरे पास लोग हैं ऑब्वियस है, ये देखिए 20, 40, 25 ऐसे ही है, तो 10, 10, 10 का बना लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके जी, मेरे पास जो है एक्स वाई ये मेरे पास आए। ओके जी, अब मेरे पास जो है यहाँ पर क्या करना था मैंने कि पॉइंट्स प्लॉट करने थे, तो लेट अस ड्रॉ द पॉइंट्स। 0, 50 तो ये वाला पॉइंट आया। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आया 25, 25 मेरे पास ये पॉइंट आया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ज्वाइन कर लीजिए। लेट अस ज्वाइन दिस, मेरा स्केल यहाँ पर आ नहीं रहा है, चलो एक रफली ज्वाइनिंग कर देते हैं। चलिए ओके जी, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट हम देखते हैं 0, 20 मेरे पास ये रहा 20 और नेक्स्ट मेरे पास जो है 40, 0
तो ये वाला पॉइंट आया। ओके अब इसको ज्वाइन कर देती हूँ मैं, ये लीजिए। ओके जब मैंने ज्वाइन किया ये लीजिए, ये 100% पॉइंट मेरा, देखिए बेटा 20 और 10, आपके तो ग्राफ पेपर पे क्लियर कट विजिबल होगा। अब मैंने शेडिंग करनी है, 0+0 इज लेस देन इक्वल टू 50, शेड टुवर्ड्स ओरिजिन। 0+0 इज लेस देन इक्वल टू 40, शेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये मेरा फिजिबल रीजन आया, यू हैव टू राइट हियर फिजिबल रीजन। ओके क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो है टेबल बनाएंगे, तो लेट अस ड्रॉ अ टेबल। मेरे पास जो है टेबल के लिए क्या करेंगे, सीरियल नंबर, पॉइंट, फिर जेड, फिर यहां पर नेचर। ठीक है जी, अब सीरियल नंबर कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। अब पॉइंट्स मेरे पास जो है कैसे कैसे आएंगे, पहला 0 0, फिर मेरे पास जो है 25 0, अगला 20 10, उसके अगला 0 20। ठीक है, अब z मेरे पास जो है वो x प्लस y है ना, तो ये 0, ये 25, ये 30, ये पॉइंट कितना था मेरे पास 40, 0, 20, ये 20। ओके अब मैंने क्या करना था, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, तो आप लिखोगे कि अगर मैं x पहली काइंड के 20 केक्स और दूसरी काइंड के 10 केक्स बनाऊ ना, तो मेरा सारा मटेरियल यूज होगा, मेरी सारी कॉन्स्टेंट्स जो है उसको सेटिस्फाई करें। तो एट द एंड यू हैव टू राइट कि द जेड विल बी मैक्सिमम व्हेन फर्स्ट काइंड ऑफ केक विल बी 20 एंड द सेकंड काइंड ऑफ केक विल बी 10 एंड वी विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट इज 30। ओके क्लियर बेटा। समृद्धि अब बताइए आपकी प्रॉब्लम बेटा। यस समृद्धि, व्हाट यू वांट टू आस्क। यस बेटा। मैम मेरे कोऑर्डिनेट्स मैंने गलत ले लिए थे। कोई बात, चलो ठीक है, पता चल गया ना, देखो इसमें काम ही सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का है। चलिए लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, ठीक है, लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। एक फैक्ट्री जो है वो टेनिस रैकेट और जो है क्रिकेट बैट्स को बनाती है। टेनिस रैकेट जो है टेक 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम इन इट्स मेकिंग। अब उसने अलग अलग बात कही की है कि मैंने एक क्राफ्टमैन का काम और एक जो है मैंने मशीन, दो तरह से रैकेट जब बनता है तो वो दो तरह से, मतलब एक मैनुअली काम होता है और कुछ मशीन के साथ होता है, उसकी बात वो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने क्वेश्चन थर्ड को टेनिस रैकेट के दो पार्ट्स मैंने कर दिए, तो मेरे पास जो है टेनिस रैकेट का जो है वो टी और दूसरा मुझे बात कही गई उसने क्रिकेट बैट की सी बी के। ओके और एक मुझे बात कही गई मशीन आर्स की और एक क्राफ्टमैन आर्स की। ओके यही पहले उसने मुझे बोला कि जो रैकेट जो है वो मशीन टाइम लेता है 1.5, तो रैकेट मशीन टाइम 1.5 आर और 3 आवर्स लेता है क्राफ्टमैन टाइम और 3 आवर्स लेता है क्राफ्टमैन टाइम। ओके दैट इज रिटन हियर। और उसके बाद उसने क्या लिखा है मेरे पास, व्हाइल अ क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, जो है 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम और मेरे पास जो है 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम मेरे पास जो है दे आर टेकिंग। अब उसने कहा है इन अ डे द फैक्ट्री हैज अ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम
एंड 24 आवर्स ऑफ जो है क्राफ्टमैन टाइम, एक दिन में एक मशीन जो है वो 42 आवर्स का ही काम देती है। माइट बी कैसे 42 आवर्स का, मान लीजिए दो मशीन लगा दी है ना एक दिन में, दो ऑन कर दी या थ्री ऑन कर दी, मतलब उससे आउटपुट हम सिर्फ 42 आवर्स का ले सकते हैं, ओके एक दिन में। तो दैट मींस मशीन टाइम का टोटल मुझे दे दिया 42 आवर्स और क्राफ्टमैन का तो 24 आवर्स की बात टोटल मुझे दे दिया, ओके जी। अब बेटा उसने क्या कहा है, सबसे पहले कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुलेस्ट कैपेसिटी। अब मुझे कितने नंबर ऑफ बैट्स एंड कितने नंबर ऑफ रैकेट्स बनाने, तो वो एक्सेल होंगे मैं, है ना। तो अब सब बच्चे अपना अपना बनाए, मैंने पूरा बना दिया, मैं अपना लिखती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, आप अपना लिखिए। तो हम क्या करेंगे, जेड अगर मैंने लिखा लेट मेरे पास जो है टेनिस रैकेट बी एक्स एंड क्रिकेट बैट बी वाई, तो मेरे पास जो है एक्स प्लस वाई सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट। आप चेक कीजिए कि आपने ऐसे सोचा है कुछ, चेक कीजिए क्या आपका भी ऐसे ही बना, चेक इट, कितने बच्चों ने ऐसे ही बनाया, ओनली थ्री का थम्स अप है बस, बाकी बच्चे दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस, गुड। बाकी सिर्फ जीवितेश का कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे, गुरजोत सिंह क्या हो गया, गुरसिरत, गुरजोत, नो रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। हाँ जी ओके, गुरसिरत ही सिंह, जीवितेश, मन्नत डन, नवकीरत सिंह, नवकीरत डन बेटा, तरुण, विरति, युवराज दोनों, ओके तरुण दोनों युवराज, एक का रिस्पॉन्स है सिर्फ मुझे 44 का, 45 नो रिस्पॉन्स फ्रॉम युवराज सिंह जो है वृद्धि, चलिए गुड ठीक है बेटा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, मैं आंसर बता देती हूँ, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर इतना ही आता है इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है पहले की जो एक्स और वाई, जब हमने जेड को मैक्सिमाइज किया, जेड हमने एक ही लिया नंबर जो टोटल नंबर, तो तब बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.12 पे आ रहा है, ओके 4.12 पे, क्लियर। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, उसने लिखा है इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड ऑन द बार ऑन द बैट इज 20 एंड 10। अब एक और क्वेश्चन दे दिया, बाकी सारी कॉन्स्टेंट्स यही दी है लेकिन हमें क्या ऐड कर दिया, एक प्रॉफिट की बात यहाँ पर ऐड कर दी, दे जस्ट लाइक देयर कि अगर मेरे पास जो है बैट पे प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज है और रैकेट पे और बैट पे 10 रुपीज प्रॉफिट है, तो उन्होंने कहा कि देन फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। अब Z ये नहीं लेना, ग्राफ विल रिमेन सेम बट Z चेंज हो गया, अब प्रॉफिट की बात हो रही है तो आप P ले लीजिए क्योंकि Z ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो 20x plus 10y यानी ग्राफ विल रिमेन सेम, कॉन्स्टेंट्स विल, क्योंकि एज द कॉन्स्टेंट्स आर सेम, ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज चेंज, दैट इज वी हैव टू नाउ मैक्सिमाइज Z, मतलब टेबल चेंज होगा, ग्राफ का आंसर सेम है, ओके पॉइंट सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 0.4.12 ही रहेगा लेकिन वैल्यू प्रॉफिट की वो चेंज हो जाएगी, वहां पर प्रॉफिट का आंसर जो मैक्सिमम नंबर था वो था 16,
लेकिन यहाँ जब प्रॉफिट आप जेड में मतलब वैल्यू पुट करोगे 4.12 तो आंसर आएगा 200। ग्राफ सेम, सिर्फ एक टेबल चेंज हो। ओके बेटा जी, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, अब और करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? आई थिंक अब आप लोगों को बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, अब आप बोलोगे कि आपने क्वेश्चन क्या बनाया। मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी जो है, टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 आवर्स on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolt. He earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package on bolt. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operate his machine for एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे। कम से कम 12 आवर तो उसने फैक्ट्री मतलब मशीन जो है वो चलानी चलानी है, तो बताइए कि वो कितने होंगे। ओके बेटा, तो फटाफट बनाइए। मैंने ग्रुप में आपको क्वेश्चन के पिक्चर भी सेंड की है, आप बनाइए फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या। आई एम गिविंग यू द टाइम। ओके, जल्दी। 3.50x + 7y। वेरी गुड, 17.5x और मैम, हाँ जी, प्लस 7y और मैम इक्वेशंस बनेंगी x + 3y > 12। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ओके, आगे। और मैम 3x + y > 12। जो है 3x + y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आपने कहा। ओके, और बताइए आगे। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी तो लगनी लगनी है ना मेरे पास, है ना? यहाँ कुछ और चेक करें अभी। यस काव्या समृद्धि, यस यस काव्या। मैम जेड विल बी 17.5x + 7y और जो कॉन्स्टेंट्स होंगी वो है x + 3y < 12 और 3x + y < 12। बिल्कुल करेक्ट बेटा, लेस देन आना है, ग्रेटर देन नहीं आना। उसका रीजन है उसने कहा एट द मोस्ट 12 आवर्स यूज करेंगे। एट द मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 12 आवर्स यूज कर सकते हैं, तो उससे कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो दैट मींस जो आप कॉन्स्टेंट्स लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, तो वो x + 3y < 12y। ओके चप्पन, ग्रेटर देन नहीं आएगा। ओके, एट द मोस्ट लिखा है। ठीक है, क्लियर? चलिए गुड। अब इसको करेक्ट करके आप कंप्लीट करना, ठीक है? और हम कल एक बार फिर और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए। टिल देन गुड बाय।